यसो बणी जिंदाबाद, यसो बणी जिंदाबाद, एडी कठुआ जिंदाबाद, एडी कठुआ जिंदाबाद, एसडीएम बणी जिंदाबाद, एसडीएम बणी जिंदाबाद। वीडियो ऑफिस बनी है और यहाँ से पीआरआईज के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ कतार में खड़े हैं और फूड कंज्यूमर अफेयर का मसला है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हमारी कवरिंग की। तो हमारा यहाँ ये मसला है कि 2016 में हमारा जितना भी ये सरकार की तरफ से राशन कार्ड जो डाटा ऑनलाइन हुआ था उसमें 16 से लेकर 2019 तक हमने उस डाटे को पूरा सपोर्ट किया और उसमें 3-4 साल से कुछ लोगों के राशन कार्ड से WY में थे, BPL में थे, APL में थे। हमने काफ़ी सरपंचों ने एक बार हमें अड़ाया ऊपर से आया कि इनकी वेरिफिकेशन करो, हमने टोटली वेरिफिकेशन की, ऑल सरपंचों ने वेरिफिकेशन की। उसमें जो बंदे थे बेचारे, कोई BPL था उनको बोला कि आप BPL हैं, किसी को बोला आप APL हैं, APL, सभी को राशन को हम बारे में बता दिया। उसके बाद क्या होता है कि वो राशन जो था लोगों को, कुछ डीलर जो थे वो राशन नहीं देते थे, लेकिन हमने क्या काम किया कि हमने उनको लोगों को अवेयर किया कि आपका राशन कार्ड जो है ऑनलाइन हो चुका है, आप अपना राशन ले सकते हैं। इस तरीके से हमारा सिलसिला चलता आया, हमने काफ़ी सपोर्ट की। कुछ लोगों की हमें कंप्लेंट आ रही थी कि हमारा, जैसे हमारा कलोड़ का एरिया जो है वहाँ से लेकर लोग रोशन जो है बनी में राशन लेते हैं, तो उनके लिए भी डिमांड थी। लोग हमारे पास काफ़ी दो लोग आते रहे कि हमारा राशन जो है कलोड़ में ले जाइए। इसके अलावा जैसे मेरी पंचायत गत्ती में है तो हमारे गत्ती के लोग जो हैं वो बनी में राशन लेते थे। और मैं आपको सही बताऊँ तो बनी में राशन मिलने से क्या होता था कि वहाँ पर कुछ लोगों को राशन नहीं मिलता था, उनके हालांकि राशन कार्ड उनके ऑनलाइन थे लेकिन उनको अंधेरे में रखा हुआ था। जब हमने इसकी वेरिफिकेशन की तो हमने डीलर को कहा कि आप गलत कर रहे हैं, ये इन लोगों का राशन आपने फ्री वाला भी खाया, इसका जो WY वाला वो भी खाया, BPL का खाया है, ये आप गलत कर रहे हो। इसके अलावा हमने एक रेजोल्यूशन जो डाला था पंचायत की तरफ से रेजोल्यूशन डाला और उस राशन को हमने 200 के करीब जो राशन था कार्ड था यहाँ से शिफ्ट कर लिया, उसको हमने अपनी वो हमारा जो डीलर था उसके खाते में डाल दिया। उसमें हमारा फर्ज बनता है, इलेक्टेड हम सरपंच हैं, पंच है, उनका एक फर्ज बनता है कि खुद जाकर लोगों के सामने जाकर राशन को पूरा बांटा जाए। हमने इस तरीके से बंटवाया, लोगों को राशन मिल रहा है। अब मेरी समझ में ये आता नहीं है कि अपोजिशन वाले जो लोग हैं जो सत्ता में रहने के बावजूद भी आज लोग इशू उठा रहे हैं कि भाई वहां राशन मिल रहा है। अब मेरे भाइयों, अगर लोगों को राशन अपने घर में मिल रहा है, उनको लोगों को तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ कौन सी आई है? इसी तरीके से आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही करने का तरीका क्या है कि हमारा जो सरकार की तरफ से जो स्केल आ रही है वो हमारा फर्ज बनता है। हम डीलर के ऊपर पूछने वाले हैं, डीलर को पूछ सकते हैं कि आपका राशन कितना है, कितना आप लोगों को बांट के दिया है। उस तरीके से हम काम चल रहे हैं। अब सरकार की तरफ से अब 1 किलो एक राशन को मिलता है, एक आदमी को 1 किलो मिलता है, ये हमारा फर्ज है, ये सरकार का फर्ज है। ये 35 किलो से लेकर आज 1 किलो पे पहुंचे हैं, आपकी गलती उसके लिए नहीं बोलते हैं। आप बोलते हैं TSO राशन दे रहा, TSO घर से राशन देगा, TSO के पास एक आदमी की स्केल 1 किलो, वो 1 किलो से दे रहा है उसको। अब किसी को नहीं मिल रहा है, उसका डीलर है वहां का सरपंच है, पंच है, उसकी इंक्वायरी करवाएं, बैठे सपोर्ट करें मसले को, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं लोगों का राशन, वो उस पंचायत का मसला है। रहा मसला सरकार की तरफ से, सरकार से जो आ रहा है 1 किलो राशन वो मिल रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड है कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे कि हमारा राशन जो है कम से कम 35 किलो पहले मिलता था, 50 किलो तो मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारा इसी तरीके से हमारी जो डिपू की लकड़ी के बारे में बात की रही थी, इसकी एक स्ट्राइक डुंगन के अंदर काफ़ी तरीका, जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक MLA हमारे एक पढ़े लिखे आदमी हैं, 3 साल सत्ता में रहे हैं, तो तब से लेकर आज तक हमारा टिमर जो है बड़ी में सेंक्शन नहीं हुआ है। ये हमारा फर्ज बनता है, हमारे लीडरों का फर्ज बनता है कि हमें ये टिमर के बारे में एक रेजोल्यूशन जो था, हमारे VDC हैं, DDC हैं हमारे, एक साझा के रेजोल्यूशन डालें और इसको पूरा एक थ्रू पर चैलेंज चले, यहाँ से अधिन से नंबर 1.5 लगा के सीधा जम्मू जाएँ, उस जम्मू चीफ कंस्पेक्टर के पास जाके सरकार के साथ बात करके कि हमारे जो PMAY के जो मकान बन रहे हैं गाँव के अंदर बन रहे हैं वहाँ ने लकड़ी नहीं मिल रही है, तो उनको लकड़ी, उनको जो टिमर की लकड़ी है वहाँ पर टिमर सेंक्शन हो मिले। और इसके अलावा एक और जानकारी देना चाहता हूँ, अब सिस्टम था, पहले सिस्टम था लकड़ी को ग्रीन फॉलिंग होती थी हमारे एरिया का होती थी, काफ़ी लोगों को, हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन हरा दख्त काटना एक कानूनी जुल्म है। तो अब जो नए हमारे RO साहब आए हैं, उन्होंने एक प्रश्न निकाला है कि सेंक्शन मिलती है 930 रुपये में सेंक्शन मिल रही है लोगों को, तब तो पहले हमें पैसे देने पड़ते थे, अब 930 में सेंक्शन मिल रही है, खुश्क दख्त की सेंक्शन मिल रही है, वो हमें मिल रही है, लेकिन हमें कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम किसी तरीके के किसी खिलाफ नारेबाजी लगाएं, रेंजर मुर्दाबाद लगाएं, TSO मुर्दाबाद लगाएं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। जो सरकार की स्कीमें सेंक्शन हुई हैं ग्राउंड लेवल पर हमारा काम है उसको लगाना, कहाँ कहाँ त्रुटि रही हैं उसका हमारा काम है।
तो सही मुद्दा है आपका, जैसे PMAY के तहत जो घर बना रहे हैं, गरीब लोग हैं, दूर दराज इलाका है और उनको लकड़ी से परेशानी आ रही है, वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं घर। और किन इलाकों में ये परेशानी आ रही है, राशन का भी मसला है, कई सालों का मुद्दा है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं दे रहे हैं ये लोग, क्या बताना चाहेंगे? राशन का सबसे पहले जो सरपंच साहब ने बताया कि राशन का मुद्दा, मैं 2011 में सरपंच बना, मैं DC साहब की मीटिंग में भी मैंने बोला, SDM साहब की मीटिंग में मैंने बोला कि मेरा क्लोर जो एरिया है दूर दराज बनी से कम 15 किलोमीटर पड़ता है और क्लोर के लोग बनी में राशन लेने के लिए आते हैं। वहाँ से शुरू किया मैंने प्रोसेस और इस साल अगस्त महीने में मैंने शुरू क्लोर में राशन देना शुरू करवाया लोगों को और यहाँ से डीलर इस बनी के डीलर से उठाकर दूसरे डीलर के खाते में डाला और क्लोर डमिया के लोगों को वहाँ पे राशन मिल रहा है। और बाहर के जो लोग हैं उनको क्या तकलीफ लग रही है, जो कई सारे डीलर हैं बोलते हैं कि उधर राशन डंडी घुटू का राशन है, उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उन लोगों का तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं होगा, जिनका है राशन उन्हीं को मिलेगा, दूसरे लोगों को तो नहीं मिलेगा, ये कौन सी तकलीफ लग रही है। 350 रुपये खच्चर जा रही है क्लोर में, लेकिन वो बेचारा डीलर अपनी कमीशन से पैसे देकर खच्चरों का किराया पूरा कर रहा है। मैं TSO साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, AD साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इनका जो किराया है ये भरना चाहिए ताकि खच्चर वालों को पूरा किराया मिले और वहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं है, वहाँ के लोगों को घर में राशन मिल रहा है, इतने साल से वो बेचारे हरासमेंट हो रहे थे, इन लोगों को वही तकलीफ है कि वो लोग क्यों, उनको घर में राशन क्यों मिल रहा है, वो बनी में आए, 15-15 राशन कार्ड इन डीलरों ने उनके BPL दबा के रखे थे, जिनका राशन 5-5-6-6 सालों से खा रहे थे, उनको हमने निकाला और लोगों को वहाँ पे पूरा पूरा राशन दिलवा रहे हैं। ये तो अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनको दबाया जा रहा था, जिनको राइट नहीं दिया जा रहा था, और राशन का मसला तो कई सालों का मुद्दा है। और चेयरमैन साहब आपका क्या कहना है इसके रिगार्डिंग? जी शुक्रिया, आपने हमारी कवरेज कर रहे हैं इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो राशन का मसला है बड़ी देर से चल रहा था, जो क्लोर से डमिया से लोग इतनी इतनी दूर से आते थे, 500 रुपया एक दिहाड़ी पड़ती है तो 300 का वो राशन लेते थे, सारा दिन लाइन में लग करके वो खड़े रहते थे जी। मैं इसलिए अपने TSO साहब का और अपने SDM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बनी में जितना भी राशन सप्लाई होता है सभी प्राइवेट ही डीलर उसको सप्लाई करते हैं। मैंने SDM साहब से भी रिक्वेस्ट की, अपने TSO साहब से भी रिक्वेस्ट की कि सरकारी डीलर तो है नहीं है जो राशन बांट रहे हैं, तो आपने प्राइवेट डीलरों को दिया है तो इनको पंचायत में दे दो और डीलर रख लो। और हमारे सरपंचों ने डीलरों को तैयार किया, उनको वो राशन दे दिया जाता है, वो अपनी पंचायत में अपना राशन रिसीव कर रहे हैं, समझो कि मान लो कि अपने घर में रिसीव कर रहे हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे और उनकी वाइफ राशन लेकर के जाती है, मजदूर जो है वो अपना दिल लगाता है। और मैं और भी कहता हूँ, कहीं भी राशन की समस्या है तो प्राइवेट डीलर आपके पास है जो राशन लेना चाहते हैं उनको राशन दो और हर एक कोई अपनी पंचायत में राशन मिले, ये बहुत बड़ी सहूलत है। क्या समस्या आ रही है, क्या परेशानी हो रही है कि राशन अब लोगों को घर पर मिल रहा है और इसमें क्या परेशानी की बात है? इसको कोई परेशानी है वो उसके मतलब बात करें, मेरी पंचायत में मेरे 17 सरपंचों की तो ऐसी कोई परेशानी है नहीं। तो रही बात लकड़ी की, पहले तो लकड़ी नहीं मिलती थी, फिर हमने अप्रोच की तो चलो अब लकड़ी अच्छे तरीके से मिल रही है। और जो हमारी लकड़ी जो हमारे रोड में दरख्त आए हैं वो काटे जाते हैं, वो लकड़ी नीचे जा रही है, मैं चाहता हूँ ये लकड़ी भी इसी डिपो पे आनी चाहिए और जहाँ हमारे लोगों को नहीं मिल रही है और नीचे जा रही है ये नहीं होना चाहिए। पहले PMY के जितने भी मकान भर रहे हैं इनको लकड़ी दी जाए और उसके बाद अगर लकड़ी बचती है तो नीचे भी जाए, कोई बात नहीं। सरपंच साहब आपका क्या कहना है कि जो और इलाकों पंचायतों में भी यही प्रॉब्लम आ रही है राशन की, या कि पर्टिकुलर पंचायतों में क्या समस्या है जो लोग कह रहे हैं? मैं शुक्रिया सर आपके माध्यम से मैं ये आज पूरी बनी की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कोई मसला आ रहा है बीच में रेंज ऑफिस राय नरेंद्र कुमार जी और ऐसे ही DFO साहब भी आना से कठुआ में बसोली में, उन्होंने 930 में सेंक्शनें देनी शुरू की हैं लोगों का और 930 में 100 स्लीपर निकालता है एक आदमी, और एक महीने के अंदर कोई आज अगर अप्लाई करता है सेंक्शन को तो एक महीने के अंदर थ्रू प्रॉपर चैनल सेंक्शन ला के वो दे देते हैं। अगर नहीं भी किसी को सेंक्शन की उतनी लकड़ी की ज़रूरत नहीं है, कोई 5-7 स्लीपर की ज़रूरत है तो ऐसे तालमेल से वो भी दे रहे हैं लकड़ी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के खिलाफ ऐसा झूठा षड्यंत्र रचा दें। और रहा स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का मसला, उसके लिए तो हम सब एकजुट होकर कहते हैं कि जहाँ से लकड़ी काट के जम्मू जा रही है अगर, तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ दी जाइए स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को, डिपो बनी के अंदर खोलना चाहिए कि बनी के लोगों को लकड़ी दीजिए, बनी से जो लकड़ी स्पेयर बचती है उसको जम्मू भेज दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसीलिए
अपनी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी आगाह कर देना चाहता हूँ और साथ में अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कठुआ के है उसको भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि पहले बनी की लकड़ी बनी में डिस्ट्रीब्यूट करवाइए और उसके बाद जो बनी से बचती है लकड़ी उसको जम्मू ले जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अच्छी स्कीमें लानी लाई हैं लेकिन हमारे जो बीच में इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक में जो ऐसे लोग गंदे लोग बैठे हैं वो इन स्कीमों को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होने देते। तो बात सही है कि ऊपर से बहुत पैसा आ रहा है गरीबों के लिए, जो कई सारी स्कीम्स लॉन्च हुई है CSS सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, चाहे वो बैंक की सब्सिडी है, चाहे वो घर बनाने के लिए, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, तो ये ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट ना होने की वजह किन को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है? देखिए जो मैं तो कहूँगा कि पहले हमारे यहाँ सप्ताह में जो लोग बैठे थे हमारे नुमाइंदे जो थे बनी के, पहले तो मैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को अवेयर कीजिए, लोगों को इन स्कीमों को लॉन्च कीजिए, लोगों के अंदर इन स्कीमों को बंटवाइए। वो तो उस टाइम अपने सोए रहे, अब जो गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर रही है उसके लिए हम लोगों को अगर अवेयर कर रहे हैं तो लोग उस स्कीमों को फ़ायदा ले रहे हैं तो उस स्कीमों के ऊपर भी वो प्रेशर और पॉलिटिक्स करने के चक्कर में रहते हैं कि जहाँ पर पॉलिटिक्स हो हमारा बस वही हमारे सर सहरा लग जाए और बाकी वाले लोग अंधेरे में सोए रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही नज़रों से देखना चाहिए हर इंसान को, किसी भी कास्ट का चाहे हिंदू है मुसलमान है सब हमारा आपस में भाईचारा, तो हम एक नज़र से देखेंगे और तभी जाके हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी और सही स्कीमों को इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो नहीं अगर इंप्लीमेंट हम स्कीमें नहीं करवा पाएंगे तो ये इस इलाके की डेवलपमेंट नहीं होगी, ये मैं क्लियर कर देता हूँ।